सब लोग प्रेम से कीर्तन गाएंगे भगवान का। देखो जनसंख्या तो वैसे ही ज्यादा है, तुम सब लोग गा ले। देखो गाओगे तो फायदा में रहोगे, आज ही आज है, कल के बाद तुमसे कभी अगर कह दे कि गा लो तो जी चाहे वो कर लेना, हम तुमसे कब ना गाएंगे कि गीत गाए ले, ठीक है गाए लो। आज ही आज को दिन में आज तुम्हें आखिरी बात समझ आ रहा है, और भगवान के दरबार में और अगर तुम्हें ठाड़ो करोगे और हमें ठाड़ो करोगे तो हम जो कह दिए भैया देखो हमने तो बहुत कही लेकिन इन्हें मानिए ना, इसलिए सब लोग कीर्तन गाएंगे। भगवान श्याम सुंदर द्वारका में जब पहुंचे तब क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरा और बहुत सारे राक्षस आए उन सबका वध किया, और जब उद्धव को पास में बुलाया है भगवान श्याम सुंदर ने के बुलाया, बोले देखिए उद्धव हमें श्याम सुंदर के बोले कि हमें ब्रजवासियों के बगैर अच्छा नहीं लगता, ऐसा करो तुम वहां चले जाओ। बोले कहां चले जाएं? बोले तुम मथुरा में चले जाओ और वृंदावन में चले जाओ। बोले काय को चले जाएं? बोले देखिए जो भी ब्रजवासी है हमारे वो मेरे बगैर दुखी है और मैं उनके बगैर दुखी हूँ। और उद्धव को पास बुलाया, उद्धव ने कहा कि महाराज एक बात बताओ। बोले क्या बताएं? बोले ये बताइए हमें वो पहचान कैसे पाएंगे कि हम तुम्हारे सखा हैं। तो कहा चलो कोई बात नहीं है, हम तुम्हें अपना पीतांबर और अपना रथ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पीतांबर और रथ। और पीतांबर और रथ लेकर के जाओगे तो और बंसी लेकर के जाओगे तो वो पहचान लेंगे तुम्हें। और उद्धव को भेजा है, और जब उद्धव गए कहां व्रज मंडल में तो देखा व्रज का नजारा कुछ है अलग। कभी मारी